फेलियर फेस करें, तो ऐसा मत समझिए कि आपने फेलियर फेस किया, क्योंकि जब हम छोटी उम्र में होते हैं, जैसे आप छोटी उम्र में हो, आप में और हमारी उसमें फर्क समझिए क्या है। हालांकि मेरी भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा नहीं हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने इस लाइफ के स्ट्रगल में ये सीख लिया है कि अगर आपको एक जगह पर कहीं फेलियर नजर आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। आप हर दिन आप जब उठते हैं तो एक नया संकल्प लेकर उठते हैं, और उस दिन ये सोचते हैं कि आज मैं कुछ नया करूंगा, और आपने कोई काम किया और उसमें आपको हार मिल गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। आप नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप में गट्स होने चाहिए। तो अगर आपके अंदर गट्स हैं तो आप कोई भी नई चीज खड़ी कर सकते हैं। तो वही चीज मैं आपको बताऊं, जैसे जो मैं आपको बता रहा था 11th क्लास का क्या हुआ कि अब अगर पेरेंट्स भी मेरे कहीं ना कहीं देख रहे होंगे तो मुझे शायद अब तो खैर क्या ही गालियां देंगे, लेकिन सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पुरानी बातें। तो 10th क्लास की बात है, जब मैं 10th क्लास में था, आई वॉज इन CBSE इन 10th क्लास, और मेरे स्कूल का नाम था KK पब्लिक स्कूल, KK पब्लिक स्कूल मेरे स्कूल का नाम था। तो आई वॉज वेरी मतलब स्टूडियस काइंड ऑफ गाय इन 10th क्लास, ठीक है। तो 10th का बोर्ड एग्जाम होता है, अभी आजकल बोर्ड में इतना वो नहीं होता, पहले बोर्ड बहुत बड़ी चीज होती थी। तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर था, बहुत ज्यादा, घर वालों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। अच्छा, वही चीज क्योंकि 90s वाले लोग हैं, तो 90s वालों के टाइम पे क्या होता था कि डंडा बहुत मिलता था, मतलब प्यार से नहीं समझाया जाता था, अगर गलती है या कम मार्क्स आए हैं तो डंडा पिलाई होती थी। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर था, और प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि दिमाग बहुत खराब रहता था। तो दिन रात हमने मेहनत करी, और इतने भी नहीं थे हम कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन अपनी जितनी भी हमारी शक्ति थी उससे ज्यादा मेहनत करते थे। तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने दिन रात मेहनत करी, तो मैं अपने गांव से जाता था स्कूल में, ना CBSE बोर्ड था मेरा, स्कूल था, तो गांव में तो होता नहीं था स्कूल, तो वो 12-13 किलोमीटर था। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं साइकिल पे जाता था, ठीक है, 10-11 किलोमीटर साइकिल चलानी होती थी, और 10-11 किलोमीटर साइकिल आनी होती थी, आके चलानी होती। तो मैंने ये देखा कि साइकिल मैं तो आने जाने में ही रह जाता हूँ चलाने में, जैसा कि आप कई बार देखते हो कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, तो मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता था। फिर ट्यूशंस भी पढ़ने होते थे, आपको पता है ट्यूशंस का भी एक बड़ा क्रेज होता है ना, तो ट्यूशंस भी पढ़े। अच्छा, प्रैक्टिकल का बड़ा सीन रहता था, प्रैक्टिकल ट्यूशन टीचर से नहीं पढ़े तो प्रैक्टिकल के मार्क्स की दिक्कत, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। अब समस्या ये थी कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं घर से फिर रूम लेके वहीं रहने लगा अकेले, और उस छोटी सी एज में। तो पढ़ाई का भी काफी अच्छा भूत सवार हो गया था, क्योंकि कंपटीशन वाली फीलिंग आ गई थी। तो मैंने बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन मैं अपने अंदर से खुश था, और मेरे जो मार्क्स आए, लेकिन घर वालों के ऑपोजिट थे, तो 10th क्लास में आई गॉट 87% ऑफ माई मार्क्स। 10th क्लास में जो मेरे नंबर थे वो थे 87%। तो भैया 87% मार्क्स आए, दिल में मेरे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं तो अपनी तादाद से ज्यादा ही मेहनत कर रहा था। लेकिन जैसे ही घर वालों को पता चला 87% मार्क्स आए, तो बस हंगामा हो गया, और इतना बड़ा हंगामा हुआ कि मेरा मतलब मेरे को ऐसा मन करने लगा कि यार क्या ही करूं, बस कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है, क्योंकि घर वालों को चाहिए थे कि मतलब समझ रहे ना, हर घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। और जो बच्चे बोर्ड में है ना बेटा, तो अगर आपके छोटा भाई बहन है कोई, उसको भी बताइएगा। तो इतना प्रेशर बहुत ज्यादा, मैं परेशान होने लगा, घर में अंदर जाऊं तो घर में जाने का मन नहीं करता, बाहर ही बाहर घूमता रहता, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को मतलब एक ही बात चाहिए थी, बस एक ही बात कि टॉप 3 में। अब यार टॉप 3 वाले भी तो मेहनत ही कर रहे हैं, हम भी मेहनत ही कर रहे हैं। अच्छा, टॉप 3 में भी अगर मेरे को तो ऐसा लगता था कि टॉप 3 में भी अगर आ जाते और या सेकंड या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते तो पता क्या बोलते, फर्स्ट क्यों नहीं आए। तो ये समस्या लगातार रहती है, अब फर्स्ट में तो एक ही रहेगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या मेरे साथ चली, तो मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा। तो 11th क्लास में क्या हुआ, फिजिक्स सही थी, पहले से मेरी हाइट वगैरह ठीक थी,
तो हमारे एक सर थे, अभी भी मेरे को नाम याद है उनका, सूरजपाल हुड्डा नाम था उनका, हाँ सूरजपाल हुड्डा थे, और वो पीटीआई थे, फिजिकल के टीचर थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम 10th के बाद 11th में आते तो सूरज सीनियरिटी फील होती है ना, तो हम सीनियर टाइप के थोड़े हो गए। अब उन्होंने देखा ये हट्टे खट्टे हैं, तो हमारा एक ग्रुप छाट लिया उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि अब इनके ऊपर दांव खेला जाए। तो वो हमें क्या करते, हमें क्लास से उठाते और सीधा ग्राउंड में। अब हमें बड़ा मजा आने लगा, पढ़ाई में तो आपको पता ही है मन कहां लगता है। तो अब हमें मौका, वैसे हम बंक मारते तो टीचर्स बोलते, लेकिन हमने फिर मारने का ऑप्शन नहीं था। तो जैसे ही पीटीआई साहब आते, अब पीटीआई का तुम्हें पता ही है उनका एक अलग ही रॉब चलता है, टीचर भी कुछ नहीं बोलते। बोला कि कहां जाना है, ग्राउंड प्रैक्टिस क्यों जाना है, कि स्कूल की तरफ से खेलने जाना है। तो हम जैसे ही तुरंत आए, बैग रखा और चले गए। तो इस तरीके से मेरा जो 11th क्लास है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। लेकिन मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट हुड्डा साहब ने बदल दिया था एथलेटिक्स की तरफ, और मेरी जो अपनी पर्सनल रेस, कभी मैं इस बार गांव जाऊंगा, मेरे ध्यान नहीं रहा, तो मैं आपको अपने, मतलब आज जब मैं जाके उन्हें देखता हूँ ना, और मम्मी के जो बक्सा होता है उसमें रखे होते हैं, तो काफी खुशी मिलती है। तो वो मेडल्स वगैरह, तो मेरा जो रेस होता था वो 100 मीटर और 200 मीटर होता था, 100-200 मीटर का रहता था। तो मैंने स्कूल की तरफ से मतलब वो जीता, बट मैं स्कूल का वो नहीं बन पाया, चैंपियन नहीं बन पाया, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था विशेष प्रताप गुच्छा, तो वो मेरे से आगे रहता था, जबकि उसकी हाइट मेरे से कम थी थोड़ी, बट वो बहुत ही तेज पिकअप लेता था, तब तक 100 मीटर में कुछ पता ही नहीं चलता। तो फिर मैं सेकंड थर्ड ऐसे रहता था। एक बार क्या हुआ, एक इवेंट में वो आया नहीं, मैं टॉप आ गया था, तो मैं गोल्ड भी जीत गया था, लेकिन ये मेरी मेहनत से नहीं हुआ, ये उसकी एब्सेंस की वजह से मैं जीता था वहां पे, ठीक है। तो वो, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं और विशेष बहुत अच्छे दोस्त थे। 11th मैंने पूरा खराब कर लिया। अब पता, 11th में लगता है कि कुछ नहीं हुआ, 12th जब आया तो जब सर पे बोर्ड का नाम आया, तो इधर से सर पे बोर्ड आ चुका था, और इधर से पेरेंट्स की उम्मीदों का भी बोर्ड आ चुका, और हमारी इवेंट्स 12th क्लास में जब हम थे तो इवेंट्स स्टार्ट हो गई थी, सीबीएसई ऑल इंडिया क्लस्टर, सीबीएसई में ऑल इंडिया क्लस्टर होता है, जो बच्चे सीबीएसई में उनको पता होगा, सीबीएसई ऑल इंडिया क्लस्टर मेरठ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो जगह जहां पर सीबीएसई ऑल इंडिया क्लस्टर था, उसमें हमारी टीम भी पार्टिसिपेट कर रही थी, मतलब हमारे अलग अलग इवेंट भी थे और हमारी टीम भी थी, रिले रेस होती है 100 मीटर वाली, वो भी था। अब भाई सीबीएसई ऑल इंडिया क्लस्टर में जीतना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप, उसके लिए फिर आप सीधा आगे बढ़ जाते, और मेरा इंटरेस्ट जाग चुका था, मैंने सोचा पढ़ाई वढ़ाई तो बात की बात है, स्पोर्ट्स में निकल लेते हैं, क्योंकि मजा आता था ये चीजें करने में। तो फिर मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करने लगा, तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूं वहां पर जब हमारा इवेंट होने वाला। अब हम इतने खुश हुए, इतने ज्यादा खुश हुए कि पूरे स्कूल में हमें रेस्पेक्ट मिल रही है, प्लेयर्स स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली वहां के वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमसे मिलने आ रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस मैन, नाम रोशन करो, ये हमें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें दी जा रही हैं। दो तीन दिन के लिए स्कूल की तरफ से हमारा जो स्कूल के जो सेक्रेटरी था वो मतलब अभी मिलने आ रहा है, इनको जूस पिलाओ, ये करो, और पूरा स्कूल के सामने हम बिल्कुल एकदम से रेपुटेशन मिल रही है, सब हमें देख रहे हैं, तो मजा आता था, अच्छा लगता था, तो अलग फीलिंग आती थी। पढ़ने वाले में मैं कोई नहीं देखता था, 87% लाए, कम्बक किसी ने नहीं देखा, और उल्टा बेइज्जती हुई, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज, तो एक अच्छी फीलिंग आती थी, सब हमारी रेस्पेक्ट, इवन जो पियोन बेल बजाता था जब हमें पूछता भी नहीं था, वो भी, अरे वो समोसे बेचता था इंटरवल में, अरे उसका नाम था छोटू, ले अरे भाई ठाकुर साहब लो खाओगे खाओगे, वो भी फ्री फंड में, मैंने कहा यार तो अच्छी बात हो रही है। लेकिन उम्मीदों का भार एक बार फिर टिक चुका था हमारे कंधे, क्योंकि हमें स्कूल को रिप्रेजेंट करना था और जिताना था, नो डाउट हमारी बहुत खतरनाक तैयारी थी, हुड्डा साहब ने हमें बहुत खेतों में दौड़ाया, फिर ग्राउंड में दौड़ाते थे, बहुत अच्छी मेहनत कराई, एंड आई यूज टू बी जेट ब्लैक एट दैट टाइम, क्योंकि दिन भर धूप में ये बहुत सारा रहता था। तो हम पहुंचे, अब सब लोग, हमारा पूरा स्कूल के ज्यादातर लोग, स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, सब पहुंच गए,
क्योंकि स्कूल का नाम रोशन होना था। तो मैं और मेरा दोस्त विशेष प्रताप गुज्जर, मैं उसके गले में ऐसे डाल के हाथ और वहां पे ऐसे घूम रहा था। तो अगर आपको याद हो उस समय पर एक पीटी शूज करके जूते आते थे, याद है? मतलब अभी का तो मेरे को पता नहीं, पर उस समय पर पीटी शूज ही पहनते थे। हमारे पास पीटी शूज होने का बड़ी बात होती, तो पीटी शूज से दौड़ा करते थे। तो मेरे पैर में पीटी शूज थे उस समय पे, और मैं और मेरा दोस्त विशेष जो है वो क्या होता है, रेस से पहले अपने आप को काम करना पड़ता है, नहीं तो कहते ना घबराहट जो आपके एग्जाम के नजदीक आते आते होती है वो सबको होती है बेटा। तो हम ऐसे ही मौज मस्ती में बस घूम रहे थे जिससे टाइम पास हो जाए जल्दी से जल्दी, और टाइम हो और हम पहुंच जाए ग्राउंड में। तो जब हम घूम रहे थे तो वहां क्या था, एक साइड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा, और जब हम चल रहे थे तो सडनली क्या हुआ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा और मैं ऐसे रुक गया, और जैसे ही मैं रुका मेरा दोस्त आगे खींचे और मैं वहीं पे खड़ा हो गया। अब दोस्त ने कहा भाई क्यों रुका, तो क्या हो गया? मैंने कहा विशेष सब कुछ खत्म हो गया। उसने कहा क्यों क्या हुआ? मैंने कहा सब खत्म हो गया भाई, अब कुछ नहीं बचा। सपने टूटना ना इसे कहते हैं। मैंने तभी आपको कहा था कभी पूरी जिंदगी में तो बहुत स्ट्रगल है बेटा, तुम तो एक बार फेल हुए। मैंने कहा विशेष सब खत्म हो गया, सब उम्मीदें सब चीज खत्म हो गई। मैंने कहा अब तो पेरेंट्स, मतलब एक सेकंड में मेरे को सब कुछ याद आ गया, अब क्या क्या गलत बहुत बुरा होने वाला है। शायद मैं यहां से निकल जाता ऑल इंडिया क्लस्टर में आगे बढ़ जाता तो शायद पेरेंट्स भी सपोर्ट करते, लेकिन सब गड़बड़। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा नीचे देख क्या हुआ। मेरा जो पैर था वो उस कील के ऊपर पड़ा हुआ था जो किसी फट्टे में लगी हुई थी, और वो जो कील है आप बिलीव नहीं करेंगे वो मेरे पैर के बाहर आ चुकी थी यूं, और ब्लड जो है वो इस तरीके से पूरा जूता लाल हो गया था। व्हाइट शूज होते थे, पीटी शूज लाल हो गया था। और जैसे ही व्हाइट उसने देखा उसको चक्कर आने लगे। उसने कहा, मैंने कहा भाई जल्दी कर फटाफट, अब टाइम नहीं है। उसने कहा अब इसमें क्या हो, तो मैंने फटाक से उसको निकाला। मैंने कहा अब सिर्फ एक ही चीज है, किसी को बताएंगे नहीं, एक थोड़ा सा रिस्क लेंगे, देखिए सफलता पाना। हालांकि गलत किया, गलत था, मैं आज भी एक्सेप्ट कर रहा हूं मैंने गलत किया, लेकिन क्या करें, बच्चे थे कोई समझाने वाला नहीं था, जुनून पागलपन था। मैंने कहा किसी को बताएंगे नहीं, एक काम करते हैं जल्दी से यहां से जो बाहर वो है गेट कीपर है उसे पास लेते हैं, बाहर चलते हैं और एक इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वहां से क्या होगा, जहां पे वो लगाया जाएगा वो समझ रहे ना, हाँ सुन हो जाएगा। हमने वही काम किया, गए स्टोर पे लिया, और वो दोस्त जो था मेरा उसी ने ही लगा दिया। और मैं कहा एक काम करते हैं, इस पे पट्टी बांध दे और इस तरीके से बांधना कि जो ये ब्लीडिंग है ये रुक जाए, क्योंकि अगर मैं वहां ब्लीडिंग में हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाद में होगा जो देखा जाएगा। मैंने कहा ये रेस तो विशेष जीतनी है चाहे कुछ भी हो जाए। उसने वो किया, जूते पहने हमने और मैं पहुंच गया, और मुझे केवल कुछ उस समय मिला था जब तक वो सुनता नहीं, तो उसके बाद सब दिक्कत होने वाली थी, और तुरंत हमारा टाइम हो गया और पहुंच गए। अब सबसे अच्छी चीज क्या थी कि मैं सेकंड नंबर पे खड़ा किया जाता था, मेरा जो दोस्त था विशेष वो चौथे नंबर पे, स्टार्टिंग में हम तीसरे बंदे को रखते थे। मुझे सेकंड पे इसलिए रखा जाता था कि जो फर्स्ट वाला अगर कमजोर पड़ेगा तो मैं खींच लूंगा, फिर लास्ट वाला विशेष था वो तो खतरनाक था। तो फर्स्ट वाले ने जब मुझे बैटन दिया तो मैं बैटन को लेके दौड़ा, और सच बताऊं मैं इतना तेज, या तो वो घबराहट थी या क्या था मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा नॉर्मल भी नहीं दौड़ पाता कभी, इतना तेज मैं दौड़ा। और मेरे मेरा फ्रेंड था उसको भी विश्वास नहीं था कि इतनी तेजी से आ सकता है, तो मैं इतनी तेजी से आया, और मैंने जैसे ही बैटन लिया तो मैं बैटन लेके एकदम से, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी थी, क्योंकि इतनी क्लैपिंग ग्राउंड में हो गई इतनी ज्यादा, और इतनी स्पीड थी कि वो जो मेरा वो फ्रेंड था उस वो बैटन नहीं पकड़ पाया, वो बैटन उसके हाथ से गिर गया। लेकिन फिर उसने बैटन उठाया, और जितनी देर में उसने बैटन उठाया इतनी देर में तो रेस बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर एक बार सपने टूटते हुए देखा मैंने, रिस्क लिया सब कुछ लिया फिर सपने टूटे, और वहां
वहां से फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि फिर वो पैर बहुत ज्यादा खराब हो गया था, फिर उसके बाद ऑपरेशन कराना पड़ा, और मतलब फिर मेरा उसमें वो रहा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे पास एक ऐसा मौका था जो मैं जा सकता था, क्योंकि फिर पेरेंट्स का इतना भार आ गया था कि वो फिर मैंने वहां से सारी चीजें जो थी जो सब कुछ ऐसे टूटते हुए देखा। तो मैंने फिर खुद से ही डिसाइड किया कि क्योंकि सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो छोड़ो। मैंने फिर वो छोड़ ही दिया, और फिर मुझे काफी टाइम भी लगता, और फिर देखो स्कूल से वहां से तो मैं निकल जाता, लेकिन बाद में बहुत समस्या। लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार अगर इस चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहूं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ही थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा था हमेशा, तो मैंने सोचा कि यार डिफेंस एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूं, मेरे घर वाले तो सपोर्ट करेंगे नहीं। एनडीए मेरे दिमाग में एक उपज बैठ गई कि एनडीए ही मुझे ले जाएगा, तो एनडीए का प्यार वहां से जाग गया। तो देख रहे हैं आप, सपना टूटे लेकिन उसको पाने के लिए फिर दूसरा रास्ता बनाया। वही चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि फिर तो वो एनडीए की अलग कहानी है, उसे तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो स्पीड है, सपने हर किसी के टूटते हैं, और आप थोड़ा सा कुछ हो जाए, सराज ये हो गया, सराज वो हो गया, सराज ये हो गया, सर ऐसा हो गया, बेटा हमसे पूछ के देखो क्या क्या नहीं हुआ इस जिंदगी में। बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम फिर भी नहीं हटे। हमारा एक सपना टूटा ना, दो खड़े कर दिए, और हमने ये जिंदगी में जंग लत पाल ली कि देखते कब तक लाइफ हमारे सपने तोड़ेगी, हम नए सपने रखते चले जाएंगे। क्योंकि हराया तो आपको देखो जिंदगी हमेशा हराएगी, लेकिन आप हार के लिए बैठे हैं, जीत के लिए बैठे हैं, सोचना ही आप ही ने है।